नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत के रिलेटेड। कुवैत का नया रेजिडेंसी नियम लागू हुआ है। जी हाँ, तो ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं। कुछ फेरबदल हुए हैं, सरकार अभी करने जा रही है, अभी तो घोषणा की है लिखित में, अभी आदेश आ जाएंगे, शायद 10 दिन लगे 15 दिन लगे, लेकिन घोषणा हो चुकी है और घोषणा होने का मतलब है ये फाइनल है, ये हो गया। नया रेजिडेंसी नियम लागू हुआ है, आप सुन लीजिए। 2020 12 अगस्त की न्यूज में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप सुन सकते हैं। पहले कुवैत में वीजा कितने का था? 3 साल का वीजा था ना, अभी उसको सरकार ने बताया है कि 5 साल का किया जाएगा। जी हाँ, 3 साल के वीजा को बढ़ा के 5 साल का करने जा रही है, और जो बिजनेस करते हैं उनका वीजा बढ़ा के 10 साल का करने जा रही है। जी हाँ, ये अच्छी अपडेट मैं मान सकता हूँ कि बार बार वीजा रिन्यू वाला चक्कर नहीं रहेगा भैया। एक आम आदमी का वीजा, वर्कर का 5 साल का, बिजनेसमैन है जो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कोई कंपनी है या एक्सवाइजेड कुछ भी है, कोई शॉप वगैरह है, उनका वीजा 10 साल का एक साथ ही रिन्यू हो जाएगा। आगे ये बताया कि अगर कोई कुवैती महिला अदर पुरुष से, अदर कंट्री के बंदे से शादी करती है तो उनको उस हस्बैंड के लिए नागरिकता लेनी होगी। जी हाँ, बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए निवास, आपको वहाँ का वीज़ा लेना पड़ेगा, निवास के लिए रेजिडेंशियल वीज़ा लेना पड़ेगा। ये नहीं कि शादी होते ही वो ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा, शादी होते ही वो वहाँ का निवासी हो गया, उसका अलग से वीज़ा लेना पड़ेगा। जी हाँ, इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और दी है, घरेलू नौकर, घरेलू जितने भी प्रकार के वीज़ा हैं, आप घरेलू में आप समझ सकते हैं, किचन का काम भी हो सकता है, ड्राइवर का काम भी हो सकता है, माली का काम भी हो सकता है, या फिर घरेलू से संबंधित जितने भी प्रकार की सर्विस आती हैं उनके वीज़ा आते हैं, उनको छुट्टी, जैसे आप पहले आते थे ना, आपको 6 महीने की छुट्टी मिल जाती थी, आप अपने देश रह रहे हो 6 महीने, तो आप वापस 6 महीने तक जा सकते थे, उसको कम करके 4 महीने की छुट्टी कर दी है। अब आप कुवैत से 4 महीने के लिए अपने घर छुट्टी आ सकते हो, 6 महीने वाला ऑप्शन घरेलू जॉब के लिए हटा दिया गया है। आगे इसमें यह बताया गया है कि कई बार माता पिता का परमिट रिन्यू नहीं होता है, अनुच्छेद 22 में नवीनीकरण यानी परमिट को रिन्यू करवाने का जो ऑप्शन एक बार बोला बंद करेंगे, उसको बंद नहीं किया गया है, उसको रेगुलर रखा गया है। 60 साल से आगे वाले, आपको बताइए, मैंने आपको बताया 60 साल से ऊपर वाले, उनका वीज़ा कैंसिल किया जाएगा, उसको वीज़ा रिन्यू नहीं होगा। बता दूँ, कुवैत सरकार का पूरा टारगेट है 360,000 लोगों को कुवैत से वापस अपनी कंट्री भेजना। जी हाँ, उनमें मैं बता दूँ ये मजदूर है 90,000, इसमें आंकड़ा और बढ़ चुका है 83,000 से, ये लगभग तो ये मजदूर हो गए 1,50,000 अकुशल मजदूर हैं, जो नॉर्मल मजदूरी वाला काम करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, अकुशल मजदूर, जिनको कोई काम नहीं आता बस वो काम कर रहे हैं, उनकी संख्या 1.5 लाख है। जी हाँ, 1,20,000 इनलीगल वर्कर बैठे हैं पूरी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, कोई भी कंट्रीज के हैं, वो अभी तक 1,20,000 अभी भी हैं जिनके पास वीजा नहीं है, वो ऐसे ही बैठे, उनको निकालना। 60 वर्ष से ऊपर वाले मैंने बता दिया 83,000-84,000 के करीब हैं, टोटल 1,60,000 लोगों को कुवैत सरकार जल्द ही उनको रवानगी दे देगी 1 साल के दौरान। जी हाँ, आगे नए वीजे इनके अपडेट नहीं होंगे। बस साथियों, ये जानकारी शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।